तो चीटिंग है। अब मैं इसकी पूरी ऊर्जा खींच लूंगा। चलो इस डूबते हुए टापू को अलविदा बोलते हैं। ये स्लिंगशॉट पक्का वॉक करेगा ना, कहीं हवा में इंजन ऑन नहीं हुआ तो? अभी पता चल जाएगा। सपने रखो, मैं कोशिश कर रहा हूं। कुछ करो प्लीज, जल्दी हम पीछे जा रहे हैं। यस 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 यस। यू आर वेलकम। जितना मैं जानती हूँ, वीर लोक वाले इतनी आसानी से हार नहीं मानते। ये बात मुझे भी खटक रही थी, परियों की बनाई हुई वो नाव इतनी आसानी से कैसे टूट गई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग जानबूझकर हारना चाहते हैं? लेकिन क्यों? क्या तुम लोगों को याद है कि उस पूरी लड़ाई के दौरान विवान ने एक शब्द तक नहीं बोला? Yes, you're right. वरना उस विवान की ज़बान तो उसकी हाइट से भी ज़्यादा लंबी है। डूबा डूबा? ये विवान नहीं, डूबा डूबा है। अगर डूबा डूबा विवान की जगह है तो विवान कहाँ है? इसका मतलब ये है कि इन्हें पद्म कवच का तोड़ मिल गया है और ये विवान उसे हिलाने गया है। कोई तुम ना सा, लेकिन आपने तो कहा था कि शील अनब्रेकेबल है, फिर उन्हें इसका तोड़ कैसे मिल गया? इन अधूरे कबीलों के बच्चों से मेरी ऊर्जा की जरूरत पूरी नहीं हो सकती, पर यदि इस महाशक्तिशाली बच्चे की पूरी ऊर्जा मैं खींच लूं, तो सदा के लिए मुझे ऊर्जा मिल जाएगी। बाद मारे तो तुम हो जाओगे ऊर्जा भक्षक। क्या हुआ, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हारे फूल की धुआंदार खुशबू से बच कैसे गया? तो उसका जवाब है
ये और उसके बाद मैंने बेहोश होने की अवार्ड विनिंग एक्टिंग कर दी और फिर तुम खुद ही मुझे यहाँ लेकर आए तुम्हारे घोंसले में। हाँ, ये कोई घोंसला नहीं है। थोड़ी देर बाद तो तुम ये भी कहोगे कि वो त्रिनेत्र करो तुम नहीं हो। क्योंकि तुम मेरा ये रहस्य किसी को भी नहीं बता पाओगे। ना ना ना, प्लीज मुझे ये हंटर वंटर से मत डरा। मैं तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया। नहीं नहीं, हटाओ हटाओ इन सब पुतलों को, हटाओ हटाओ इन सब पुतलों को। तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। हटाओ हटाओ हटाओ। ओके, तो पहले तुम मुझे अपना ये हंटर दे दो। ये लो ये लो। मुझे माफ कर दो मुझे। मैं बुरा पक्षी नहीं हूँ। मुझे प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है। मैं दूसरों की ऊर्जा पाकर ही जिंदा रह सकता हूँ। जैसे एक शेर को दूसरे जानवरों का शिकार करना पड़ता है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपना पेट भरने के लिए दूसरों की ऊर्जा छीननी पड़ती है। क्या तुम यही कहना चाहते हो? हाँ, मैं बुरा प्राणी नहीं हूँ, लेकिन मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम अपनी तीसरी आंख खोलकर मेरा एक काम कर दो तो तुम्हें फिर से किसी की भी ऊर्जा छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे तीसरी आंख खोलने के लिए भी ढेर सारी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। देखो, तुम चिंता मत करो, इन कबीले के बच्चों की ऊर्जा तुम इन्हें लौटा दो और मैं तुम्हारी आवश्यकता पूरी कर दूंगा। देखो भैया, की जान बचाने के लिए इस त्रिनेत्र क्रो को अपनी सारी ऊर्जा देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। धानी शुक्रा बालवीर, धानी शुक्रा। ये आप लोगों ने क्या बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक मिनट, अब बोलिए। शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। अब आप सब जल्द से जल्द अपने घर वापस जाइए। आपके माता पिता आप सबको देखकर बहुत खुश होंगे। बालवीर, मुझे ऊर्जा जल्दी नहीं मिली तो? फिकर नॉट ब्रो, करो, मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। मालपरी, मैंने उस त्रिनेत्र क्रो को ढूंढ लिया है, लेकिन अब मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। प्लीज, क्या आप इसी जंगल में आ सकती हैं? विवान, तुमने तो कमाल कर लिया। त्रिनेत्री का को आखिर तुमने ढूंढ ही लिया, लेकिन ये कैसे हुआ? बालपरी, मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसे इतनी एनर्जी दीजिए कि इसे फिर कभी एनर्जी लेने की जरूरत ही ना पड़े। धन्यवाद बालपरी, बहुत बहुत धन्यवाद बालवीर। अब मैं अपनी तीसरी आंख खोलकर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। विवान, तिमनासा को अभी तक पता नहीं चला होगा कि हमने त्रिनेत्री काक को ढूंढ लिया है। चलो। इन परियों को लग रहा है कि इन्होंने मुझे चकमा दे दिया, लेकिन अब इनकी चाल पर मेरा भूचाल आएगा। क्या योजना क्या है तुम्हारी तिमनासा? अब तक हम खुलकर युद्ध कर रहे थे, लेकिन अब हमें बालपरी की तरह छुपकर ही उसका जवाब देना होगा। आपका मतलब क्या है तिमनासा? बालपरी अब जो भी करेगी उसका मकसद सिर्फ एक ही होगा, उस पद्म कवच को तोड़ना। इसलिए अब हम उस पद्म कवच के बाहर ही इंतजार करेंगे।
और अगर बालवीर ने कोई चालाकी दिखाई उसे अच्छे से सबक सिखा देंगे। अरे सुनो सुनो, फिर चले गए। वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहती लेकिन गुड जॉब। अब मुझे पता चला कि तुम ऑर्डर देने के अलावा और वेट करने के अलावा तारीफ भी कर सकती हो। गुड। लगता है सोलर पैनल में तार टूटने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है। वाह विवान, तुमने तो कमाल कर दिया, असंभव को भी संभव कर डाला। हाँ विवान, जिसे हम सबने कहानियों में सुना था और परिज्ञान पुस्तक में पढ़ा था, तुम उस त्रिनेत्री काक को सचमुच ढूंढ लाए। थैंक्स, बट आई होप कि बाकी की आधी कहानी भी सच हो। त्रिनेत्र की तीसरी आंख खुलने की एनर्जी से तिम्नासा का ये कवच टूट जाए। त्रिनेत्री, आप अपनी शक्ति से इस कवच को नष्ट कर दीजिए। दाने की तरह मेरी योजना चुक कर जाएगा। त्रिनेत्री की तीसरी आंख खुलने से पहले हमारी आंख खुल गई। Now just wait and watch कि अब तुम्हारे क्रो पे हम कौन सी पावर थ्रो करते हैं। परियो, हमें त्रिनेत्र को टिम्मी आंटी के अटैक से बचाना होगा। बालपरी, तिम्नासा ने तो कवच टूटने से पहले ही त्रिनेत्रिका को भगा दिया। वो भागा नहीं है,
तिमनासा का ध्यान भटकाने के लिए वो उसे यहाँ से दूर ले गया है। भलपरी मतलब? मतलब ये कि तिमनासा का वो कवच 95% तो टूट चुका है और बचा वो 5%, वो हमारी शक्तियों से टूट जाएगा। परियो, हाँ इस कवच पर अटैक करते रहिए और मैं चांस मिलते ही देखो मिया और अनन्या दीदी के प्लेन को कैच कर लूंगा। बालवीर, अगर विवान ने समय पर आकर तुम्हारे हवाई जहाज को पानी में डूबने से नहीं बचाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। विवान, तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। ये तो एक बालवीर का फर्ज है एंड आई एम श्योर बालपरी कि जब मेरी लाइफ का प्लेन क्रैश होने वाला होगा तब पार्टनर भी ऐसे ही आकर उसे कैच कर लेंगे। वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहती
पर जैसे बालवीर ने आलू और सोलर पावर को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस की और हमें हर खराब सिचुएशन से बाहर निकाला, उसकी सच में तारीफ करनी पड़ेगी। अरे वाह, अरे अनन्या, तुम मेरी तारीफ करना बंद करो, क्योंकि जितनी बार तुम मेरी तारीफ करते हो मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है। पाठक, आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, मैं तब तक कबीले के बच्चों से मिलकर आता हूँ। धन्यवाद बालवीर, अगर तुम नहीं आए होते तो हम और हमारे सारे बच्चे उस ऊर्जा भक्षक के दहशत में जी रहे होते, इसलिए हम मन की गहराई से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम हमेशा इसी तरह बुराई का नाश करते रहो और सदा तुम्हारी विजय हो, सदा तुम्हारी विजय हो, सदा विजयी रहो, 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 सदा विजयी रहो। हजारों सालों से सूरज निकलता है और अंधेरे को खा जाता है, लेकिन फिर भी अंधेरा हार नहीं मानता। ठीक उसी तरह तिमनासा वापस आएगी बालवीर, एक और घातक हमले के साथ।